नमस्कार, मैं कन्हैयालाल वैष्णव, सरेड डैम, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। मैं आपको अब आज एक छोटी मोटी सेटिंग बताना चाहता हूँ जिससे आप किसी भी मिक्सर को ऑपरेट कर सकते हैं। और आपके सामने हमारे कस्टमर भी आए हैं, भाई श्री गोविंद जी पिपलिया कला से, और ये इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, और ये मायूर जी है। मेरे सामने मैं आपको थोड़ी बहुत सेटिंग बताना चाहता हूँ जिससे कि आप किसी भी मिक्सर को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हर मिक्सर में ये गेन आता है, गेन का नोब आता है, गेन का नोब आप आधे से कम रखेंगे और पीक एलईडी आने तक ही खोलेंगे। पीक एलईडी आने के बाद में आप इसको कम कर सकते हैं, पीक एलईडी आप फिल्टर को फुल भी कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन गेन को आधे से कम रखेंगे पीक एलईडी आने तक। इसके बाद में आइस को आप आधा रखेंगे और आधे से थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में आता है मिड। मिड किसी की भी आवाज को ऊपर उठाने, जैसे बेस सेट कर रहे हैं या गायक कलाकार को सेट कर रहे हैं तो किसी भी आवाज को ऊपर उठाने के लिए मिड काम करता है, और बेस यानी लो फ्रीक्वेंसी ये आवाज में भारीपन देने के लिए काम करता है, और ये इफेक्ट सेक्शन है इसका इको देने के लिए होता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना, मैं कभी कभी राजस्थानी भी बोल जाऊंगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। और ये आते हैं वोक्स, जिसमें आप मॉनिटर लगा करके आवाज कम ज्यादा करने के लिए और अलग से इफेक्ट भी इसमें लगा सकते हैं वोक्स के जरिए। इसके बाद में आता है ये मोनो आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में आता है पैन, जो हर मिक्सर में बीच में रखना पड़ता है, इधर देंगे तो ये एल चलेगा, इधर देंगे तो राइट चलेगा। इसके बाद में आता है पीक एलईडी, और ये है इसका लिस्टन जो होगी ये सुनने के लिए होता है, ये आता है ग्रुप में सुनने के लिए, और ये इसका स्लाइडर। अब ये इसका इफेक्ट सेक्शन है, और स्लाइडर को वैसे आप 0 dB पर रखेंगे तो अच्छा चलेगा, और 0 dB से थोड़ा ऊपर कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो LR है उनको आप 0 dB पर ही रखेंगे तो ही अच्छा चलेगा। 0 dB पर रखने पर मतलब अच्छा आवाज आएगा। अब जैसे मैं सिंगर की सेटिंग बताता हूँ आपको, गेन को पीक एलईडी तक रखेंगे, और आइज को HF को आप आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं या आधा रख सकते हैं। और आवाज़ अगर कोई अच्छा गायक है और उसको थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके लगाना है तो मिड को आप सेंटर से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो आवाज़ बिल्कुल एकदम क्लियरनेस बिल्कुल अच्छी आएगी, जिस गायक कलाकार खुश हो जाएगा और आपकी पीठ थपथपाएगा। और बेस को आप आधे से कम रखेंगे, और अगर कोई लेडीज गायिका है तो इसकी सेटिंग आप यहाँ रखेंगे, ओके। और इसके बाद में अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ढोलक के बेस के लिए, तो बेस के लिए सेटिंग है वो कोई नियम है, आप गेन को तो आधे से कम ही रखेंगे पीक एलईडी तक। और इसका भी एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, आप इस स्लाइडर को बंद करेंगे और इस गेन को, स्लाइडर को बंद करने के बाद में ये नियम आपको शायद यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इस स्लाइडर को बंद कर देंगे और गेन को खोलेंगे, जहां तक पीक एलईडी आती है उस वहां तक गेन को ले जा करके आप रोक देंगे। एलईडी आने के बाद में, ये एलईडी नहीं आनी चाहिए, वहां तक रोक दीजिए, फिर बाद में आप स्लाइडर को खोल दीजिए। ये सेटिंग कर सकते हैं आप लोग। अब जैसे ढोलक का बेस सेट करेंगे तो ट्रबल को आधे से उसको बंद कर देंगे तो चलेगा, और थोड़ा बहुत रखेंगे तो चलेगा। मिड को बीच में रखेंगे चलेगा, और बेस को आधे से ज्यादा रखना पड़ेगा, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आप जहां पर प्रोग्राम करते हैं उस जगह के हिसाब से आप एडजस्टमेंट करके चला सकते हैं। ये मैं नॉर्मली मिक्सर की सेटिंग बता रहा हूँ। अब आप चाटी पर आ जाएंगे तो चाटी को भी, ढोलक की चाटी के लिए भी ये पीक एलईडी का ध्यान रखें और इसको यहाँ रखें, और आइस को इनको बीच में सभी को सेंटर रख लेंगे तो अच्छा आएगा। और कोई बेस नहीं मांगता तो इसको बेस को बंद कर दीजिए, ये चाटी का सेटिंग है। और तो यार कुछ रहा नहीं, फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और चला करके दिखाने का वीडियो तभी आएगा जब आप मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, यार सब्सक्राइब तो मेरा बनता है।